हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने चैनल ऑनलाइन जॉब न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, आज भी हम एक एक करके काफी सारे वैकेंसीज की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं गाइस, वो बात करने वाले हैं कोल्हापुर के लिए। कोल्हापुर में काफी सारे जॉब्स आई है गाइस, इसके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऑनगोइंग वैकेंसीज जो भी होगी गाइस, वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल सके। सो गाइस, ये जो भी जॉब डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आता हूं, वो 100% फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और गाइस ना ही आपको किसी तरह की कोई एग्जाम देनी होती है। ये 100% जेन्युइन प्रैक्टिकली और फ्री जॉब मैं आपके लिए लेके आता हूँ। चाहे आप किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हो गाइस, आप 8 पास स्टूडेंट हो, 10 पास स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की हो, चाहे मेल कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया के मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, इन सभी के लिए गाइस आपके अपने वीडियो में गाइस जॉब लेके आता हूँ मैं। और गाइस ये ऑनगोइंग वैकेंसीज होती है, वॉक इन इंटरव्यूज होती है गाइस, तो जल्दी से जल्द आपको अप्लाई करना होता है। विदिन 8 to 10 days में आप लोगों को अप्लाई करना होता है गाइस, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब होती है। देखिए दोस्तों, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपने को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है, लेकिन गाइस प्राइवेट सेक्टर की जो वैकेंसीज होती है, ऑनगोइंग वैकेंसीज चलती है, जो एक जॉब एस्पिरेंट स्टूडेंट है, तो गाइस प्लीज जितना हो सके उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको एक जॉब मिलने में हेल्प हो सके। ऑनलाइन जॉब न्यूज ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में जॉब डिटेल्स प्रोवाइड कराता है, और गाइस राइट वे में, राइट डायरेक्शन में, राइट मोटिव में किस तरह से अप्लाई करना होता है, किस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन मैच करनी होती है, ये गाइस सब आप लोगों को बताया जाता है। सो गाइस, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब ढूंढ रहे हो, जिनको भी अपना करियर स्टार्ट करना है, विदिन हो सकता है 15 डेज का टाइम लग सके गाइस, तो गाइस आप लोग जॉब आपकी क्वालिफिकेशन मैच कीजिएगा, और फिर सोचिएगा, समझिएगा, और फिर गाइस तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। सो गाइस, ये जो जॉब वैकेंसीज है वो है अगस्त के 4th week की वैकेंसीज है गाइस प्लीज। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा जॉब्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज निक एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन जॉब न्यूज। फ्रेंड्स, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोल्हापुर में हो और गाइस कोल्हापुर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो गाइस आप लोगों को करना क्या है, हैशटैग कोल्हापुर जॉब्स करके आप लोगों को सर्च करना है, या फिर गाइस आप लोग मेरा नाम लेके हैशटैग निकजॉब करके भी सर्च कर सकते हो, या फिर गाइस आप लोग का चैनल का नाम पता ही है, उसके सामने आपको हैशटैग लगा देना है। इस तरह से डिफरेंट वे में आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप लोग सर्च कर सकते हो। दोस्तों, जैसा अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट वैकेंसी आ रही है महाराष्ट्र स्टेट से कोल्हापुर सिटी के लिए, जो फर्स्ट वैकेंसी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, ये देख सकते हो शरद सरकारी साकर कारखाना लिमिटेड के तरफ से। तो गाइस ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हो, ये डिस्टिलरी इंचार्ज के लिए निकली है। तो गाइस इसके लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, तो गाइस आप देख सकते हो, अगर आपने केमिस्ट हो, आप एक अकोला से टेक्नोलॉजी कोर्स किया हुआ है, या फिर वीआई शुगर टेक हो, या फिर आपको रिलेवेंट 5 to 7 years का एक्सपीरियंस है, तो गाइस आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए गाइस आपको आपका नाम, जो बायोडाटा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, ये सब गाइस आप लोगों को जोड़ देना है, और गाइस आप लोगों को विद इन 7 days के अंदर अंदर इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है, या फिर गाइस इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे भी आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे गाइस, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप जब भी वीडियो देखोगे गाइस, तो उसके पहले गाइस आप लोगों को 480p पे देखिएगा, हाई रेजोल्यूशन पे देखिएगा, और गाइस हाई साउंड में सुनिएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। जो सेकंड वैकेंसी आप देख सकते हो, ये पॉलिटेक्निकल पीआर फार्मेंस के लिए ग्राफिक डिजाइनर की गाइस यहाँ पे जरूरत है। तो गाइस आप ऐसा देख सकते हो, हाँ, जो स्किल रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, या फिर गाइस आप देख सकते हो कल्पकता आणि सहनशीलता, फुल टाइम आपको काम करना होगा, और महाराष्ट्र के सभी स्टेट में, और गाइस सभी का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में 21 अगस्त को आप लोगों को गाइस जाना, 21 अगस्त से
25 अगस्त तक के गाइस आप लोगों को इस वॉक इन इंटरव्यू है तो आप जा सकते हो। और गाइस टाइम स्लॉट का ध्यान रखिएगा, सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में। तो एंड आपको एक एंड अट्रैक्टिव सैलरी भी मिलेगा और साथ इंटेंसिव भी मिलेगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है गाइस, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे थर्ड नंबर की वैकेंसी कोल्हापुर के लिए, ये देख सकते हो ये सोमनाथ वुमेन मल्टीस्टेट कॉर्पोरेशन एग्रो प्रोग्रेसिंग सोसाइटी की तरफ से आ रही है गाइस। तो यहाँ मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है गाइस, तो आप देख सकते हो अगर आपने एमबीए मार्केटिंग में किया हुआ है तो वैसे ही आपको अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 40,000 से आपको अट्रैक्टिव सैलरी मिली जाएगी तो मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड रखते हो तो 29 अगस्त को आपको चले जाना है, आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है उसको सब लेके अटैच करके गाइस आप लोगों को इस दिए गए एड्रेस पर चले जाना है। अगर आप गूगल मैप पे डालोगे तो इसलिए आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है गाइस, ये फोर्थ नंबर की वैकेंसी आप देख सकते हो, ये नक्षत्र सॉल्यूशन की तरफ से यहाँ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसी निकली आप देख सकते हो। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो और आप मेल कैंडिडेट हो और कंप्यूटर का नॉलेज है, आपके पास बाइक और लाइसेंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही जो सेकंड पोस्ट है आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, तो इसके लिए जो गाइस ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। अगर आपने डिप्लोमा बीसीए एमसीए बी अगर एमई इनमें से कोई भी एक स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। साथ ही आप देख सकते हो नीचे में टेली के लिए टेली का पोस्ट के लिए आप निकली है, टेली एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट के लिए आप पोस्ट निकली है। इसके लिए गाइस मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम एमकॉम के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, बाइक और लाइसेंस भी आपके साथ होना चाहिए, टेली का नॉलेज भी होना चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट दिए गए एड्रेस पे आप गूगल मैप पे डालोगे तो इजीली आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे आपका रिज्यूम। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे गाइस, ये कोल्हापुर के लिए जो फिफ्थ नंबर की वैकेंसी है महाराष्ट्र स्टेट से, ये देख सकते हो। तो ये डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से है गाइस। तो ये गाइस अच्छा खासा नाम है इसका, डीवाई पाटिल का सभी को पता है, प्रेस्टिजियस कॉलेज है गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ के फैकल्टी के लिए रिक्वायरमेंट निकली है फॉर द एकेडमिक ईयर 21-22 के लिए। तो जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए आप देख सकते हो यहाँ जो पोस्ट निकली है, प्रिंसिपल प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए और लाइब्रेरी के लिए, इन सभी के लिए गाइस ये पोस्ट निकली है। तो जो भी गाइस रिलेवेंट करता है इस दिए गए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ गाइस आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है पे स्केल की, ये सब आप लोगों को बताना है। गाइस आपको अप्लाई करने के लिए आपको जो अप्लाई कर नॉर्म पे लिया जाएगा वो न्यू दिल्ली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के नॉर्म्स पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो गाइस ये इंटरव्यू के बाद आप लोग शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है विद इन 7 डेज के अंदर आप लोगों को अप्लाई करना है गाइस। गूगल फॉर्म में लिंक दिया हुआ है, इस अगर दिए गए ईमेल एड्रेस पर आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है। ये इनकी वेबसाइट आप देख सकते हो govcostdypgroup.edu.in पे। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है आप देख सकते हो ये 76 नंबर की वैकेंसी, ये भी गाइस आप देख सकते हो डीवाई पोर्टल की तरफ से ही है। तो इनका जो ये सेकंड नंबर का जो इंस्टीट्यूट है आप देख सकते हो, ये जो है गाइस फैकल्टी ऑफ रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन इंजीनियरिंग एमबीए एंड पॉलिटेक्निक के लिए, इसके लिए गाइस एक अकेडमिक गुड लुकिंग प्रोफेशनल रिसर्च के लिए आप ये ढूंढ रहे अकेडमिक ईयर 21-22 के लिए। इसके लिए भी आप देख सकते हो गाइस तो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे जरूरत है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे यूजी कोर्स के लिए और पीजी कोर्स के लिए, यूजी मींस अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पीजी मींस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ह्यूमेनिस्ट अप्लाइड साइंस मैथमेटिक्स इन सभी के डिपार्टमेंट में गाइस पोस्ट निकली हुई है। साथ ही आप अगर देखोगे तो पॉलिटेक्निक एफिडेविट ऑफ मुंबई की तरफ से जो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स के लिए भी वैकेंसीज है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर कंप्यूटर मैकेनिकल केमिस्ट्री प्रोफेसर कम्युनिकेशन इन सभी के लिए पोस्ट निकली है। तो गाइस जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप देख सकते हो लाइब्रेरियन डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको गाइस इनके साइट पे चले जाना है और गाइस वहां जाके आप ऑनलाइन करके अप्लाई कर सकते हो। ये 21 से ऐड निकला है तो विद इन गाइस 7 डेज के अंदर आपको गूगल फॉर्म में इनका लिंक दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप लिंक का ये अगर आप गूगल पे डालोगे तो इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है एलिजिबल कैंडिडेट तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस दिए गए पोस्ट के लिए।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए वैकेंसीज के साथ। अगर आप किसी भी जोन से आते हो महाराष्ट्र में, किसी भी जोन से मींस नागपुर, मुंबई, मराठवाड़ा, ये सभी से, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि और भी वैकेंसीज मैं आपके जोन के लेके आते रहूंगा। अगर आपको दी गई इन्फॉर्मेशन गाइस लोग अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगती तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन गाइस एक जेन्युइन कैंडिडेट के साथ लिंक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको जॉब मिलने में आसानी हो सके या फिर उसका करियर स्टार्ट करने में हेल्प हो सके। तो गाइस जितना हो सके उतना प्लीज शेयर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और गाइस ऑनलाइन जॉब न्यूज ऐसा प्लेटफॉर्म इसीलिए तैयार किया गया था ताकि गाइस आप जैसे कैंडिडेट जो भी एक जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब एस्पिरेंट स्टूडेंट है, उनको एक इजी वे टू अप्लाई मीन्स आपको घर बैठे आसानी से अप्लाई करना हो और डायरेक्ट सिलेक्शन पा सको, इसीलिए गाइस ये चैनल स्टार्ट किया गया था। तो गाइस जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, अपने रिलेटिव्स को बताइएगा, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बताइएगा, जितना हो सके गाइस उतना प्लीज। आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, मैं जरूर वहाँ पे आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बी फोकस्ड, थैंक यू।